हेलो एवरीवन, एक यूनिवर्सिटी से दो वैकेंसी आई है। ये दोनों वैकेंसी परमानेंट पोस्ट के लिए है एंड दोनों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है। 7 CPC पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल रहेगी। कैंडिडेट को ओनली ऑनलाइन अप्लाई करना है। कैंडिडेट यहाँ पर 30 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर है, अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो एज अर्ली एज अप्लाई कर लें। टोटल यहाँ पर 19 डिपार्टमेंट में वैकेंसी। ये कौन कौन से डिपार्टमेंट है ये डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, आप कैसे अप्लाई करेंगे, इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए वीडियो में इन तक बने रहें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका मिस ना हो। हेलो गाइस, मैं कविता कुसुम अपने इस यूट्यूब चैनल कविता हर रू क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको PhD एडमिशन नोटिफिकेशन एंड टीचिंग पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट ऑल ओवर इंडिया से मिलेंगे। साथ ही एजुकेशन सब्जेक्ट से अगर आप UGC नेट, सेट या PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट से PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हैं। तो गाइज, अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं तो उसकी इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसे इमीडिएट देख पाएं। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। तो गाइज, वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। ये वैकेंसी आई है IIT धारवाड़ से, ये कर्नाटका में है। इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे, उसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाएंगे, देन आपका इस तरह का पेज आएगा। इसमें फैकल्टी रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर फॉर ऑल डिपार्टमेंट। इसमें और स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, यहाँ आपको दो एडवर्टाइजमेंट शो होगा। फर्स्ट है आपका रेगुलर रिक्रूटमेंट ड्राइव एंड सेकेंड है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव। देन इसमें स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको डिपार्टमेंट वाइज रिक्रूटमेंट फॉर्म शो होगा। जैसे ये आपका डिपार्टमेंट नेम है, ये रेगुलर में अप्लाई करने के लिए है एंड ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए है। तो ये डिपार्टमेंट वाइज दी गई है, इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए ये इसका रेगुलर फॉर्म है एंड ये स्पेशल रिक्रूटमेंट के लिए अगर कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो इस डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसी तरह से कैंडिडेट अगर केमिकल इंजीनियरिंग में रेगुलर रिक्रूटमेंट फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से फॉर्म को ओपन करेंगे। अगर कैंडिडेट स्पेशल रिक्रूटमेंट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो इसे ओपन करेंगे। लाइक मैं केमिस्ट्री के रेगुलर रिक्रूटमेंट फॉर्म को ओपन कर रही हूँ, ये इस तरह का पेज आएगा। इसमें फर्स्ट में आपका इंस्ट्रक्शन शो हो रहा है, कैसे क्या आपको फिल करना है, ये डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं, इसे आप रीड कर सकते हैं कि अप्लाई करने के लिए क्या क्या नीड आपको होगी। सेकेंड में आपको पर्सनल फिल करना है, पर्सनल डिटेल यहाँ, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल, अप्लाइंग पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये सारी डिटेल यहाँ दिया हुआ है। पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज को आप फिल करेंगे एंड लास्ट में सेव कर देंगे। देन इसी तरह से एकेडमिक को ओपन करेंगे, देन आपका इस तरह का ओपन होगा। एकेडमिक रिकॉर्ड, डिग्री, कॉलेज, ये सारी डिटेल को फिल करेंगे। एजुकेशन सर्टिफिकेट, ये सारे अपलोड करना है एंड लास्ट में सेव करना है। देन आप पब्लिकेशन को ओपन करेंगे, पब्लिकेशन की डिटेल को फिल करेंगे एंड उसे सेव करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपको अप्लाई करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसकी डिटेल को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में फैकल्टी ओपनिंग नोटिफिकेशन फॉर रेगुलर वैकेंसी को देखते हैं। यहाँ पर रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म के अकॉर्डिंग रहेगी। देन अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए ये आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉर प्रोफेसर, फॉर एसोसिएट प्रोफेसर, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 में अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग द एक्सपीरियंस गेन वाइल परसुइंग PhD। देन असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए कैंडिडेट नॉट एलिजिबल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1, सच एज दोज द लेस एक्सपीरियंस मे बी कंसिडर्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2। देन यहाँ से पे स्केल देख सकते हैं। प्रोफेसर के लिए यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल 14A है, इंट्री पे 159,100 रुपीज है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 13A2 है, इंट्री पे 139,600 रुपीज है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए एकेडमिक पे लेवल 12 है, इंट्री पे 101,500 रुपीज है। देन यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए, प्रोफेसर में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का बिलो 55 ईयर्स होना चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का बिलो 45 ईयर्स होना चाहिए एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का बिलो 35 ईयर्स होना चाहिए। यहाँ पर इंस्टीट्यूट का वेबसाइट दिया हुआ है, डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं।
यहाँ कैंडिडेट को हार्ड कॉपी सेंड नहीं करना है, देन ये गाइडलाइन दिया हुआ है। अप्लाई करने से पहले इसकी डिटेल को जरूर रीड कर लेंगे। कैंडिडेट अगर मोर देन वन डिपार्टमेंट या मोर देन वन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो सेपरेटली फॉर्म सबमिट करेंगे एंड सेपरेटली सारी डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे। यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, यहाँ पर टोटल 10 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। इसमें किस डिपार्टमेंट में क्या सीट रहेगी ये डिटेल नहीं दिया हुआ है। डिपार्टमेंट है बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स एंड रूरल टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल, मटेरियल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स। टोटल 10 डिपार्टमेंट में इसके लिए वैकेंसी है एंड ये एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है डिपार्टमेंट वाइज, तो आप जिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करेंगे उसकी स्पेशलाइजेशन को देख लेंगे। कैंडिडेट यहाँ पर लास्ट 30 अप्रैल 5 PM तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये रेगुलर फॉर्म के लिए डिटेल थी, अब स्पेशल ड्राइव की डिटेल को देखते हैं। ये डिटेल स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए है फॉर SC, ST, OBC, NCL एंड EWS कैंडिडेट। इसके लिए टोटल 9 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल, मटेरियल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स। के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है। प्रोफेसर के लिए एक्सक्लूडिंग केमिकल इंजीनियरिंग है, तो केमिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर के लिए वैकेंसी नहीं है, अदर डिपार्टमेंट में है। एंड इसके लिए अप्लाई करने की कोई लास्ट डेट नहीं है, देयर इज नो लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। द सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ड्यूरिंग द ईयर डिपेंडिंग ऑन द नीड एंड और रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। अदर डिटेल सेम है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, पे स्केल, एज इट इज रेगुलर फॉर्म है। ओके गाइज, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।